हेलो दोस्तों मैं हूं नीरज जो आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स और आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये है पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा ये वीडियो नेट एक्सपीडेंट्स के लिए और पी एच एंट्रेंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज आर करेक्ट आपके सामने चार दे रखा है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने को कह रहा है चारों स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूं फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अ अ हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट दैट इज टेस्टेड फॉर इट्स वैलिडिटी सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है रिसर्च डिजाइन इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लान फॉर अ रिसर्च स्टडी थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल और प्योर रिसर्च फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या ये एक और चार सही है क्या ये दो और चार सही है या फिर एक दो और तीन सही है या फिर ऑल ऑफ द कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए तब तक मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड है तो आपको हाइपोथेसिस पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या होता है तो है तो एक टेंटेटिव और आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड गेस तो हाइपोथेसिस क्या होता है टेंटेटिव प्रिडिक्शन होता है या फिर इसे हम एजुकेटेड गेस भी कहते हैं दैट हैज टू बी टेस्टेड यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसे हम फ्यूचर में टेस्ट करते हैं दैट हैज़ टू बी टेस्टेड ये ध्यान रखना तो इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम फ्यूचर में टेस्ट करते हैं क्यों टेस्ट करते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस बनाए हैं वो वैलिड है या नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जानना है कि इंडिया में जो भी लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी यानी वो कितने साल तक जिंदा रहेंगे जैसे जापान में है कि सेवेंटी ईयर्स ऑन एवरेज एक पर्सन जो है वो सत्तर साल तक ज़िंदा रहता है तो सेम चीज़ अगर मुझे इंडिया में पता करना है तो हम क्या करेंगे एक हाइपोथेसिस बना लेंगे हाइपोथेसिस दो तरीके का होता है जनरल केस में एक होता है नल हाइपोथेसिस और सेकेंड होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो नल में हम क्या बोलते हैं कि there is no difference. और हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं there is a difference. ये दो टर्म्स ध्यान रखना तो वापस से जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं रिसर्च डिजाइन इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक प्लान फॉर रिसर्च स्टडी ये भी स्टेटमेंट सही है रिसर्च डिजाइन क्या होता है रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क होता है या आप इसे कह सकते हैं एक तरीके का ब्लूप्रिंट, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आप क्या करते हो एक मैप बना लेते हो नक्शा बना लेते हो कि किस तरीके से हम पूरी बिल्डिंग को बनाएंगे कितना सीमेंट लगेगा कितना बालू लगेगा कितना गिट्टी लगेगा या जो भी मटेरियल इन्वॉल्व है उसमें वो कैसे लगेगा और किस तरीके से आप सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करोगे तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है एक फ्रेमवर्क होता है एक ब्लू होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक प्लान होता है बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन में सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे रिसर्च का टॉपिक क्या है रिसर्च में क्या आप हाइपोथेसिस बनाएंगे रिसर्च की मेथडोलॉजी क्या होगी कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ से डेटा इकट्ठा करेंगे क्या हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करेंगे या सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करेंगे क्या इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ऑल ऑफ थिंग सारी चीज़ें रिसर्च डिजाइन में इंक्लूड की जाती हैं तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि रिसर्च डिज़ाइन एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक प्लान होता है फॉर दी रिसर्च स्टडी जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके स्टडी के लिए प्रॉपर एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक प्लान होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं द बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल और प्योर रिसर्च ये भी स्टेटमेंट सही है कि बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल और प्योर रिसर्च कहते हैं अब बेसिक रिसर्च होता क्या है ये जान लो देखिए जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई नई नॉलेज जो है वो लाना चाहते हैं कोई नया थ्योरी लाना चाहते हैं या कोई नया प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं अगर ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं तो उसे हम बेसिक फंडामेंटल या प्योर रिसर्च कहेंगे बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च का यूज तब हम करते हैं जब हम न्यू नॉलेज को ऐड करना चाहते हैं न्यू थ्योरी को ऐड करना चाहते हैं या न्यू प्रिंसिपल्स को एड करना चाहते हैं यहाँ पे ध्यान रखना न्यू जैसे थ्योरी की बात करें तो आपने देखा होगा थ्योरी एक्स आया वाई आया फिर जेड आया प्रिंसिपल आप देख लो लॉ ऑफ डिमांड इसी तरीके का और भी एग्जांपल आप ले सकते हो तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अब आइए फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ये स्टेटमेंट गलत है क्यों गलत है क्योंकि जो भी अप्लाइड रिसर्च यूज करता है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यहां पे ध्यान रखना कि अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जैसे पॉपुलेशन देख लो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर रिसर्च किया गया है तो उसे अप्लाइड रिसर्च कहा जाएगा क्योंकि वहां पे हम पॉपुलेशन को कम करने के लिए रिसर्च करेंगे या फिर पॉल्यूशन हो गया या आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन है ओबेसिटी मोटापा जो है बहुत ही लोग ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं जो फास्ट फूड है उसके कंजप्शन से ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है या फिर ट्रैफिक देख लो ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो रियल लाइफ प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो स्टार्टिंग के जो तीन स्टेटमेंट हैं वो एब्सोल्यूटली करेक्ट हैं तो यहाँ पे फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वन टू एंड थ्री अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दे स्टडी डिजाइन ऑफ कलेक्टिंग डेटा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है जो कि रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड है आपसे कह रहा है आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे कौन सा रिसर्च डिजाइन कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है सपोज कर लेते हैं कि आज फोर्टीन मे है तो अगर आज के दिन डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे हम कौन सा रिसर्च डिजाइन कहेंगे एक बार ऑप्शन में पढ़ देता हूँ क्या ये लॉन्गिट्यूनल है क्या ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है क्या ये कोहर्ट स्टडी है या फिर इसे हम ट्रेंड स्टडी कहेंगे एक बार मैं चारों टर्म्स को समझा देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जब हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जब हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं सपोज कर लेते हैं आज का एग्जाम्पल लेते हैं फोर्टीन में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जब एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में सपोज कर लेते हैं यहाँ पे तीन फॉर्म्स हैं या बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं एस बी आई यू बी आई और बी ओ बी जब हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में यानी डिफरेंट बैंक्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोई भी तीन ग्रुप हो सकता है यहां पे ध्यान रखना डिफरेंट कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है इसको स्टडी करेंगे तो इसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होगा ग्रुप्स जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं यानी अगर हम ये तीनों बैंक के अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखना चाहते हैं थ्रू बैलेंस शीट ठीक है अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आज के डेट में हमें यह देखना है कि ये तीनों जो तीन ग्रुप्स हैं या तीन बैंक हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे ध्यान हमेशा रखना कि जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो वहां पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगा लॉन्गे की बात करते हैं लॉन्गे होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक लंबे समय के दौरान स्टडी करते हैं जैसे 2010 से 2020 के बीच में हमने एक लंबा टाइम पीरियड ले लिया है सपोज कर लेते हैं कि हमने एस की फाइनेंशियल कंडीशन स्टडी करनी है कि 2010 से 2020 के बीच में किस तरीके से एस ने ग्रो किया है तो इसे हम लॉन्गिट्यूनल रिसर्च स्टडी कहेंगे यहां ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूनल स्टडी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है ठीक है अब बात करते हैं कोहर्ट स्टडी की तो कोहट का क्या मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल अ ग्रुप ऑफ़ पीपल तो कोहट स्टडी में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई कर देता है टू स्टडी ठीक है पे वो फ्यूचर में स्टडी करेगा और सारा जो स्टडी का प्लान होता है वो प्लान करता है और एडवांस में सारी चीजों को प्लान कर लेता है बाद में डेटा को कलेक्ट करता है ओवर टाइम यहाँ पे ध्यान रखना कि कोहट स्टडी में रिसर्चर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट कर लेता है अपने स्टडी के लिए और उसी से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करता है ओवर टाइम ओवर टाइम का मतलब क्या है एट इंटरवल्स डिफरेंट इंटरवल्स पे ये जो ग्रुप है ये सेम ग्रुप होगा वापस से मैं आपको बताता हूँ कि कोहर्ट स्टडी में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट कर लेता है जिन पे उन्हें रिसर्च करना होता है और वो लंबे समय तक यानी कुछ कुछ इंटरवल्स के बीच में वो डेटा उससे कलेक्ट करता रहता है इसे हम कोहर्ट स्टडी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये देखना है कि जो ग्रेजुएट्स हैं सपोज कर लेते हैं कि कुछ बी कॉम्स के बच्चे हैं ट्वेंटी स्टूडेंट्स ले लेते हैं सपोज कह लेते हैं कि हमने ट्वेंटी डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने अलग अलग कॉलेज से ले लिया है यहाँ ध्यान रखना जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट कॉलेज से हैं हमने बीस स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेज से ले लिया है यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डिग्री है वो सेम है यानी कि बीकॉम डिग्री है और जो एज है वो भी फैक्टर सेम है सपोज कर लेते हैं बीस से लेके ट्वेंटी फाइव ईयर्स के स्टूडेंट हैं जो बी कॉम में पढ़ते हैं ट्वेंटी अलग अलग स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कॉलेज से हैं और हमें ये देखना है कि कैसे ये जो बीस स्टूडेंट हैं यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो सेम ग्रुप है इसी भी हम रिसर्च करेंगे ये ग्रुप चेंज नहीं होने वाला तो अगर हमें ये देखना है कि ये जो बीस स्टूडेंट हैं वो अपने लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करते हैं तो हम हर फाइव ईयर्स के बाद उनके ग्रोथ को चेक करेंगे तो इसे हम कोहर्ट स्टडी कहते हैं अब बात करते हैं ट्रेंड स्टडी की ट्रेंड स्टडी में क्या होता है यहां पर डिफरेंट ग्रुप ट्रेंड स्टडी में क्या होता है डिफरेंट ग्रुप होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट डिफरेंट पॉइंट पॉइंट्स इन टाइम ध्यान रखो कि ट्रेंड स्टडी में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स में ट्रेंड स्टडी में हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रेंड कैसा है सपोज कर लो कि इलेक्शन इलेक्शन से पहले हमने कुछ सैंपल लिया कुछ यंग बच्चों से हमने पूछा कि आपके सामने तीन पार्टी हैं आप बताओ कि कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हो तो सपोज कर लो कि जो ग्रुप था उसने बोला कि ए पार्टी मुझे पसंद है आप सपोज कर लो कि एक साल बाद हम जाते हैं और हमने अब डिफरेंट लोगों से डिफरेंट सैंपल लिया दूसरे जो बच्चे हैं उनसे पूछा कि आप बताओ कि आपको कौन से पार्टी पसंद है हो सकता है कि इस बार वो पार्टी सी को पसंद करें तो हम ट्रेंड स्टडी में क्या देखना चाहते हैं कि करेंट ट्रेंड क्या है ठीक है यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोहट स्टडी और ट्रेंड स्टडी में दोनों में डिफरेंस है कोहर्ड स्टडी में क्या होता है कि रिसर्चर एक पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई कर देता है और उसे ही एक फिक्स्ड इंटरवल पे टेस्ट करता रहता है जैसे यहाँ पे आप देखो कि 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए गए हैं और इन्हीं 20 स्टूडेंट को पांच साल पांच साल के इंटरवल पे टेस्ट किया जा रहा है लेकिन ट्रेंड स्टडी में क्या है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको टेस्ट किया जाता है जैसे पहले हमने क्या किया इलेक्शन से पहले कुछ लोगों से पूछ लिया कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है फिर हमने इलेक्शन के बाद दूसरे लोगों से दूसरे सैंपल से हमने डेटा कलेक्ट किया तो ये था ट्रेंड स्टडी चारों टर्म्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए क्योंकि अगर ये चारों टर्म्स आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे तो इसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं क्रॉस सेक्शनल क्या होता है एक पे, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ़ टाइम पे, पे डेट कलेक्ट कलेक्ट किया 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 जाता जाता है। क्या है? है, क्या लंबे समय में किया है। जैसे 2010 से 2020 में, 20 में गया। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम एक तो उसे हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पैरामीटर इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या नन ऑफ द बब एक बार सारे टर्म्स को समझ लेते हैं सबसे पहले डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जानते हैं क्या है जब भी हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है तो जैसे ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं हम उसको एडिट करते हैं उसके बाद वी डू एनालिसिस हम एनालिसिस करते हैं किस लिए करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन ये ध्यान रखना कि हम कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए डेटा एनालिसिस करते हैं इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि हम उसे सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इंटरप्रिटेशन शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट एवरी वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन जो है वो हमेशा सिंपल और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें नेक्स्ट है पैरामीटर इन्फ्रेंस पैरामीटर इन्फ्लेंस को समझने से पहले आपको पैरामीटर जानना होगा कि पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन मैं आपके लिए यहां पे लिख दे रहा हूं पैरामीटर बेसिकली पॉपुलेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल एक एम कॉम की क्लास है जहाँ पे हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं ठीक है ठीके? तो हंड्रेड स्टूडेंट जो हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एम कॉम में तो ये जो टोटल स्टूडेंट होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन एक एम कॉम की क्लास है जिसमें टोटल हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं, और ये हंड्रेड स्टूडेंट्स के ऊपर हमें रिसर्च करना है हमें डेटा इकट्ठा करना है तो हमारे लिए जो हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे पॉपुलेशन हो जाएंगे और अगर हमने ये सारे हंड्रेड इंस्टूडेंट्स का डेटा लिया और अगर हमें ये पता करना है कि इन इंस्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है सपोज कर लेते हैं हमें ये पता करना है कि ये जो हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है तो अगर हम ये सौ स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं और हम हाइट कैलकुलेट करते हैं और हाइट आता है सिक्स फीट तो ये सिक्स फीट जो होगा इसे ही हम पैरामीटर कहते हैं तो पैरामीटर क्या होगा पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अब जानते हैं कि पैरामीटर इन्फ्रेंस का क्या मतलब है इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर हम इस पैरामीटर के बेसिस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसे हम पैरामीटर इन्फ्रेंस कहेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एम के स्टूडेंट हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी है ये हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे हम पैरामीटर इन्फ्रुएंस कहते हैं अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रुएंस की तो स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स क्या है तो जिस तरीके से पैरामीटर पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक्स है उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स क्या है वो सैम्पल का करेक्टरिस्टिक्स है इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एम की क्लास है जिसमें सौ बच्चे हैं लेकिन हमें सौ बच्चों का डेटा नहीं लेना है हमने सैंपल ले लिया है सपोज कर लेते हैं कि हमने सिर्फ पच्चीस स्टूडेंट्स का डेटा लिया है और हमें सेम चीज़ पता करना है यानी कि हमें एवरेज हाइट पता करनी है कि क्लास में जो एवरेज हाइट है हंड्रेड स्टूडेंट की वो कितनी है यहाँ पे हमने 25 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया है एज आर सैंपल हमारे सैंपल के रूप में हमने इसको ले लिया है और जो हाइट आती है वो आती है 5.5 फीट तो ये जो रिजल्ट आया है इसे ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ठीक है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है वो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं पैरामीटर क्या है पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्टैटिस्टिक्स क्या है सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो यहां पे हम इस डेटा के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि जो एम के जो बच्चों की हाइट है वो गुड है ठीक है बहुत अच्छी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है बट एवरेज है गुड है तो जब हम कंक्लूजन निकालते हैं सैंपल के बेसिस पे तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फेंस कहते हैं अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जब हम सैंपल के बेसिस पे जनरलाइज कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं सैंपल के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रुएंस कहेंगे अगर यहीं पर पॉपुलेशन दिया होता तो वो पैरामीटर इन्फ्लुंस हो जाता दो तीन बार इस वीडियो को देख लो ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्टडिंग ऑन ग्रेड टाइम स्पेंड स्टिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया है ये जानने के लिए कि टाइम और ग्रेड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है जैसे हम कहते हैं ना कि ज्यादा टाइम अगर हम पढ़ाई करें तो हमारे ग्रेड भी अच्छा होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो टाइम है इसे क्या कहेंगे क्या इसे हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे क्या इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे क्या इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे या इसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो जिस ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है वो ये देखना चाहता है कि एक जो ड्रग है ड्रग आप एक तरीके से कह सकते हो कि पेन किलर एक रिसर्चर है जो एक ड्रग की इफेक्टिवनेस देखना चाहता है कि ये जो ड्रग है ये जो पेन किलर है वो कितना इफेक्टिव है उसके लिए उसने दो ग्रुप बना लिया है एक है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी ग्रुप ए को उसने ड्रग दिया मेडिसिन दिया और ग्रुप बी को उसने एक सिंपल कैंडी दे दिया जो कि मेडिसिन की तरह दिखने में थी लेकिन वो मेडिसिन नहीं यहां पे ध्यान रखो मेडिसिन दिया गया है और यहाँ पे मेडिसिन नहीं दिया गया तो यहां पे जिस ग्रुप में मेडिसिन दिया गया है यानी वहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे एक्सपेरिमेंट ग्रुप और दूसरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे कंट्रोल ग्रुप ठीक है यहां तक कोई दिक्कत अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की तो जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता नहीं हो तो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं यहां पे ध्यान रखना कि जब वेरिएबल की वैल्यू अननोन है तो हम क्या करेंगे टू तो फाइंड हम उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें नोन होती है या फिर गिवेन होती है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलरी की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की सैलरी कितनी होगी ये कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा जैसे एजुकेशन एक्सपीरियंस एज और भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे एजुकेशन में क्या आप जे आर एफ हो क्या आपने पी एच डी कर रखा है क्या आपके पास पांच साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है क्या तीस साल के हो या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या निकालने की को कोशिश कर रहे हैं सैलरी तो सैलरी क्या होगा ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि सैलरी इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स जैसे एजुकेशन कितना है एक्सपीरियंस क्या है एज क्या है सैलरी जो है वो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है और एजुकेशन एक्सपीरियंस एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको नोन है या गिवन है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको अननोन है पता नहीं है आप उसको फाइंड करना चाहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि टाइम और ग्रेड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहा है आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या है टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट है कंट्रोल ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो देखिए टाइम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्यों क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे हम क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेड ग्रेड किस पे डिपेंडेंट है टाइम पे कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो यही डिटरमाइन करेगा कि आपका ग्रेड कितना आएगा तो ग्रेड यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हमें ग्रेड ही पता करना है ये अनुअल है ग्रेड का जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं यही तो हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल है एक बार ऑप्शन देख लेते हैं बॉडी वेट बॉडी हाइट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कलर ऑफ हेयर एक बार वेरिएबल क्या है ये जान लेते हैं वेरिएबल को हम बोलते हैं डेटा आइटम वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं डेटा आइटम बेसिकली डेटा यूनिट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे ही हम वेरिएबल बोलते हैं मैं आप सबके लिए यहां पे लिख दे रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटा यूनिट बेसिकली वेरिएबल क्या होता है एक तरीके का डेटा ही है तो ये वेरिएबल दो तरीके के हो सकते हैं फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल का क्या मतलब है जिसे हम मेजर कर सकते हो मेजर कर सकते हो या फिर काउंट कर सकते हो इन नंबर्स ध्यान रखना कि जो कि क्वांटिफ़िएबल हो जिसे हम नंबर्स में या क्वांटिटी में मेजर कर सके वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होगा जैसे वेट हो गया किसी का वेट एट्टी के जी है तो उसे हम मेजर कर सकते हैं हाइट हो गया जैसे हमने सिक्स फीट लिया था तो ये कुछ एग्जांपल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है इसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते ना ही काउंट कर सकते हैं सिर्फ इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं ठीक है जैसे कलर ऑफ फ्लावर अलग अलग फ्लावर्स के कलर हैं आप जानते हैं रेड है येलो है पिंक है, है और भी कलर हो सकता है जेंडर ऑफ अ बेबी किसी बच्चे का जेंडर या फिर नेशनैलिटी नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स तो वापस एक क्वेश्चन पे आते हैं देखिए फर्स्ट है बॉडी वेट तो बॉडी वेट अभी मैंने कहा 80 केजीज तो ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि ये नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं इसे बॉडी हाइट देख लो सिक्स फीट तो ये भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि इसे हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन तो ये भी 11 से लेके 16 ग्राम पर डेसी होता है तो ये भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि इसे हम नंबर्स में क्वांटिफाई कर, कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं कलर ऑफ हेयर ये देखिए किसी का हेयर ब्लैक है ब्राउन है रेड है तो ये क्या है सिर्फ हम इसे कैटेगराइज़ कर रहे हैं इसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते तो ये आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं ये चीज़ें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम में आप गलती करोगे ही करोगे अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप का नंबर है कोई भी डाउट हो यहाँ पूछ लेना तो ये था रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट टू उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग